हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ताब, देख मैं ट्यूशन। सो गाइस, इस टाइम हमारे वहां गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण हमारे रूमों का तापमान काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है और जो हमारे रूम में फ़ैन कूलर लगे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा देने लगे हैं और हमारे रूम में रुकना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा जुगाड़ बताने वाले हैं जिससे आप लोग अपने फ़ैन की हवा को बिल्कुल ठंडी कर सकते हैं और आपका फ़ैन एकदम एसी के तरीके से काम करेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखते हैं तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कि अपने फ़ैन को एसी कैसे बनाएं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब हमें बहुत अमूल्य है। चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक फ़ैन रखा हुआ है और ये हमारा अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारे रूम का तापमान इतना ज़्यादा हाई है कि ये पंखा बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा दे रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा रूम ये छत पर बना हुआ है और बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप होती है तो हमारा रूम काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए हमारा फ़ैन काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा दे रहा है और जिसके कारण हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इस रूम में रुकना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं हमारा रूम है और ऊपर एक पंखा लगा हुआ है छत वाला और वो भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही गर्म हवा देता है, क्योंकि इस टाइम गर्मी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है तो इसलिए हमारा फ़ैन काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा दे रहा है। तो हम आज की इस वीडियो में ऐसा कुछ जुगाड़ करेंगे जिसके कारण हमारा फ़ैन बिल्कुल ठंडी हवा देने लगे, एकदम एसी के तरीके से हमारा एकदम ठंडी हवा देने लगे और हमारा फ़ैन एकदम एसी के तरीके से काम करे। तो आज की इस वीडियो आप लोग पूरी कंप्लीट देखिए ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए और अगर आपके वहाँ भी गर्मी है तो आप लोग भी ये तरीका आजमा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ दो स्प्राइट की बोतल है जो कि आप लोगों को घर पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी, सबके घरों में ये बोतल ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो बोतल है, आज हम इसी से कुछ नया तरीका निकालेंगे जिससे आप लोग बिल्कुल अपने रूम को ठंडा कर सकते हैं और आपका फ़ैन एकदम ठंडी हवा देने लगेगा, ठीक है। तो हम इस बोतल को जो है पीछे का हिस्सा वो काट देंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऐसे ब्लेड लगाना है और इसको काटना है, बट आपको इसे पूरा नहीं काटना है, बिल्कुल आसानी से काटना है और बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है ताकि ये ब्लेड जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है और आपके हाथ में ना लगने पाए। तो आप लोग देखते हैं ऐसे आपको बिल्कुल आसानी से काटना है और आपको ये बोतल पूरा नहीं काटना है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कितना काटना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इतना आपको काट देना और थोड़ा सा छोड़ देना ताकि ये खुलने बंद में आसानी हो जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऐसे आपको बोतल काटना है, ठीक है। ऐसे हमको दूसरा वाला भी काटना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने एक को काट दिया है, ऐसे आपको दूसरा वाला भी काट। चलिए फटाफट से अपने दूसरे वाले बोतल को भी ऐसे काट देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ब्लेड है और इसी से इसको हम काट रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले वाला काटा था वैसे ही आपको काटना है और पूरा आपको नहीं काटना ताकि जो है हमारा अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हम इसको ऐसे काट रहे हैं और ऐसे ही आपको बोतल को काटना है और थोड़ा सा छोड़ देना ताकि हमारा जो बोतल का ये ढक्कन हो जाएगा इसको आप खोल सके, बंद कर सके, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे आपको दोनों बोतलों को काट लेना है बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आगे आपको इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं हमारी दोनों बोतल अच्छे से कट गई। अब आपको आयरन शोल्डर लेना है या अगर आयरन शोल्डर आपके पास नहीं है तो आप किसी सुज्जे को गर्म करके इस बोतल में छेद कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऐसे आपको छेद करना है बोतल में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें छेद कर दें, ऐसे आपको सभी स्थानों पर छेद कर देना है, ऐसे छोटे छोटे छेद करना है। तो हमारे पास यहाँ आयरन शोल्डर है इसीलिए हम इससे यहाँ पर छेद कर रहे हैं। अगर आपके पास आयरन शोल्डर नहीं है तो आप लोग अपने सुज्जे को गैस पर गर्म कर सकते हैं और उससे बिल्कुल आसानी से छेद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हम पूरे बोतल में ऐसे छेद कर रहे हैं, आपको ऐसे ही छेद कर लेना है, ठीक है। अभी हम इसमें कर रहे हैं, उसके बाद आपको दूसरे बोतल में भी छेद करना है। दोनों बोतल में आपको छेद ऐसे कर देना है, बस बिल्कुल आसानी से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपको बताते हैं उसके आगे आपको क्या करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा छेद हो रहा है, तो ऐसे आपको दोनों बोतलों में छेद करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम चारों तरफ छेद किए हैं, ऐसे ही आपको छोटे छोटे छेद दोनों बोतलों में करना है। तो फटाफट से कर लेते फिर उसके बाद आपको बताते क्या करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने दोनों बोतलों में अच्छे से छेद कर लिया है और हमारा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है बिल्कुल आपको वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास वायर बांधने में टाई रखी हुई है, इसी से हम अपने बोतल को अपने फैन में लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो हमारे पास दो हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप कोई कॉपर का वायर ले लीजिए और उसी से आपको इसको अपने फैन में लगा देना है। तो आप लोग देखते हैं ऐसे हम इसको अपने बोतल में लगा रहे हैं और इसको फैन में लगा देंगे, ठीक है। इसको टाई बोलते हैं, अगर आप लोग चाहें तो मार्केट से भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फैन रखा हुआ है, अब हम इन दोनों बोतलों को अपने फैन में लगाएंगे पीछे, ठीक है।
ऐसे आपको लेना है, जैसे कि आप लोग देखिए हमने टाई लगा दिया है और ऐसे आपको फैन के पीछे जो हमारी जाली लगी हुई है उसी में इस बोतल को अच्छे से लगा देना। जैसे कि आप लोग देखते हैं ऐसे आपको इस बोतल को अपने फैन की जाली में पीछे वाली लगा देना है और इसको फुल टाइट कर देना, बस हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमने अपने टाई को फुल टाइट कर दिया है जिसके कारण हमारा बोतल बिल्कुल आसानी से लग चुका है। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा बोतल उस साइड लगाना है। ठीक है, हमने इस साइड बिल्कुल आसानी से लगा दिया, अब चलिए फटाफट इस साइड भी लगा देते हैं। तो ऐसे जैसे मैंने इस साइड लगाया वैसे आपको लगाना है, जालियों में फंसा कर आपको टाई को फुल टाइट कर देना है, बस हमारा इस साइड भी बोतल बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने टाई को फुल टाइट कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा इस साइड भी बोतल बिल्कुल आसानी से लग चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे दोनों साइड बोतल अच्छे से लग चुके हैं, ऐसे आपको लगा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में यहाँ पर बर्फ है और इस बर्फ को हम अपने बोतल में डालेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे दोनों बोतल हैं, ऐसे आपको बर्फ के गुट्टे को डालना है। तो यहाँ पर हमारे गुट्टे काफी बड़े हैं तो इसको हम फोड़ लेंगे अपने पेचकस से, उसके बाद हम इस बर्फ को अपने दोनों बोतलों में डाल देंगे बिल्कुल आसानी से। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे आपको बर्फ को फोड़ लेना है। और आजकल घरों में सबके वहाँ फ्रिज होती है तो आप लोग डेली बर्फ को जमा सकते हैं और जो है उसके बाद इस बोतल में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग देखते हैं मैंने दोनों बोतल में डाले हैं बर्फ को, ऐसे ही आपको डालना है। तो आप फटाफट से इसको फोड़ के डाल देते हैं। तो आप लोग देखते हैं हमने उसमें डाल दिया, इसको हम फिर से डाल देते हैं और आपको फुल बोतल कर देना है। ठीक है, अगर आप फुल करते हैं तो आपको 3-4 घंटे का समय बिल्कुल आसानी से आप लोग ठंडी हवा खा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों बोतलों में अच्छे से बर्फ को डाल दिया है। अब हम अपने फैन को ऑन करते हैं और देखते हैं किसमें क्या परिवर्तन होता है, हमारा फैन ठंडी हवा देता कि नहीं देता। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा फैन ऑन हो चुका है और भाई आप लोग देख सकते हैं हमारा फैन अच्छे से वर्क कर रहा है और भाई इसमें काफी ज्यादा ठंडी हवा आ रही, क्योंकि इससे पहले जब हमने इसको ट्राई किया था तो बहुत ही काफी ज्यादा गर्म हवा आ रही थी और हमारे रूम का तापमान भी काफी ज्यादा हाई था, बट इसमें अब काफी ज्यादा ठंडी हवा, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा वर्क करेगा, बट ये बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है। और जब मैंने इससे पहले इसको ट्राई किया था तो हमारे रूम का तापमान काफी ज्यादा हाई था ये, और ये फैन हमारा बहुत ही गर्म हवा दे रहा था, बट ये अब बहुत ही ठंडी हवा दे रहा है क्योंकि इसके पीछे दो बोतलों मैंने इसको बर्फ भर दिया है और जिसके कारण ये हमारा हवा काफी ज्यादा ठंडी दे रहा है। तो आप लोग इस तरीके को आजमाइए, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ठंडी हवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि हम ऐसे तो आप लोग बता नहीं सकते कि कैसे ठंडी हवा दे रहा, बट मुझे फील हो रहा, मैं आपको वही बता रहा हूँ। और अगर आप लोग इस फैन को अपने रूम में आधा या एक घंटा से ज्यादा इसको चला देते हैं तो आपका रूम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और आप लोग अच्छे से चैन की नींद सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग इस तरीके को आजमाइए, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये तरीका आपको कैसा लगा और आपका फैन ठंडी हवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप लोग इसको ऐसे आजमा सकते हैं और अपने रूम का तापमान को कम कर सकते हैं और ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपने बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।